हो जाएगा दीदी। I want exactly like this. Thanks. All set? हाँ, विराज सर को मेरा गाना बहुत पसंद है। देखा मैंने। कितने खुश थे ना वो? बहुत खुश हो गए। तो तुम यही हो यूनिवर्सल बहन जी? तुम्हारा भाई बनाने का कोटा अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो क्या है ना कि विराट सर को अमन के हाथ का खाना इतना अच्छा लगा है कि आज से कैफे में उसी की रेसिपीज बनेगी। तुम भी आना खाने, अमन बहुत अच्छा खाना बनाता है ना अमन? ये पता नहीं भाई को क्या हो रहा है, एक के बाद एक ऐसे मिडिल क्लास लोगों को इस अकेडमी में लेके आ रहे हैं। निशु, मैंने जो कहा था, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सारा। ये टाइम तो अमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेलिब्रेट करने का टाइम है ना अमन? हाँ माँ। निशु, वीरेंद्र भैया को हार्ट अटैक आया है। क्या? क्या हुआ निशु? उमेश भैया वीरेंद्र ताऊ जी के पास गए थे उनकी और अमनप्रीत की बात करने, उसी वक्त ताऊ जी को हार्ट अटैक आ गया। क्या बात कर रही है यार तू? मिस निशा, क्या हुआ मिस निशा, आप इतनी परेशान क्यों है? सर, क्या मुझे हाफ डे मिल सकता है प्लीज? यस ऑफ कोर्स। क्या हुआ सौरभ? साहब ने इंजेक्शन दिया है, भैया भी सो रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ कहा? जी, कहा कि लगता है माइनर हार्ट अटैक है, बाकी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मिस्टर गंगवाल की हालत स्टेबल है, लेकिन उन्हें 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं हमें? देखिए, हमने उनको दवाइयाँ तो दे दी है, लेकिन लगता है उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। आप यहाँ के कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिस्ट श्रेष्ठा से बात करनी होगी आपको। डॉक्टर श्रेष्ठा? बाबूजी, वो तो मोहन भैया की दोस्त हैं, मैं मिल चुका हूँ उन्हें, उनका नंबर भी है मेरे पास, हम कांटेक्ट कर लेंगे। जी, वो आजकल बाहर गए हुई है, आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे। जी, वैसे भी इनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई है, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता हम उनके लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते। और आप उनका खास ख्याल रखिएगा, चीनी और नमक बिल्कुल बंद, और घी और तेल भी नहीं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि उनको किसी बात का टेंशन नहीं होना चाहिए, और गुस्सा भी उनके लिए ठीक नहीं है, सेकेंड हार्ट अटैक उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। रमेश जी, बाबू जी, वीरेंद्र से इसके बारे में कुछ मत कहना। जी बाबू जी, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शिष्टा का नंबर लग नहीं रहा, मैं रिसेप्शन में जाके चेक करता हूं अगर उनका कोई और नंबर है। मां, मैंने
पापा से कुछ नहीं कहा, मैं तो बस वहां पहुंचा ही था। बस कर, कुछ नहीं सुनना है मुझे। माजी, माजी से कह दीजिए कि ये चला जाए यहां से। मैंने तभी वापस आना जब तू फैसला कर ले। माँ कैसा फैसला, कौन सा फैसला, ये आप क्या बोल रहे? ये फैसला उमेश की, तू अपने परिवार के साथ है या फिर उस लड़की के साथ। दादी, दादी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच में पापा से कुछ नहीं कहा। दादी, दादी प्लीज। मैं भी एक माँ हूँ बेटा, मैं ना जानती उस कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो बस इतना जानती कि इस वक्त तुम्हारे बेटे के सर से एक बड़ा सी टल गई है। देख बेटा, ये वक्त खराब है, हिम्मत रखनी होगी, थाने भी, माने भी और सब ने। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पापा से कुछ नहीं कहा। दादी, दादी आप तो मेरी बात मानिए। हेलो लड्डू, तुम कैसे हो? अंकल की तबीयत कैसी है? अमन ये सब क्या हो रहा है? अमर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं अमन? देख लड्डू, अब बस एक ही रास्ता है, हमारे रिलेशनशिप ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। लड्डू, कोर्ट से शादी का एप्लीकेशन वापस ले ले। अमन, इसी में सबकी भलाई। भैया, ताऊ जी ठीक है ना? हाँ। उमेश भैया, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ उमेश भैया, ताऊ जी को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सबको लगता है कि पापा की ये हालत मेरी वजह से हो गई है। निशु, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पापा को अमनप्रीत के बारे में कुछ नहीं बोला। भैया, हम सबको आप पे भरोसा है, हमें पता है आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और हम सब आपके साथ हैं। निशु, तू मेरे साथ है ना? हाँ उमेश भैया, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अमन की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो अमन बहुत परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख बेटा, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त है खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी उठाने का। और वीरेंद्र भाई साहब को कुछ नहीं होगा, तू समझाना। खाएगा? नहीं चाचू, भूख नहीं है। चाचू, आपकी डॉक्टर श्रेष्ठा से बात हुई? अरे यार, आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, उनका नंबर ही नहीं लग रहा, एक और पर ट्राई करता हूँ। Excuse me, I'm Dr. Shrestha. ओ डॉक्टर साहब, आइए। जी। सुन, पापा ने तो कहा था कि डॉक्टर श्रेष्ठा से बात नहीं हो पा रही है, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? अबे विराज सर को जैसे अंकल के बारे में पता चला, उन्होंने खुद डॉक्टर को फोन किया। चला जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।